वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आजाद, ड्रीम बिग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक वेस्ट वाटर स्टोरी, गंदे पानी की कहानी से मुताल्लुक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, आलमी योम आब वर्ल्ड वाटर डे इस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 12 मार्च, 22 मार्च, 22 सितंबर, 1 जुलाई, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल, सीवेज क्या है? ऑप्शन है ठोस नाकारा माध्य, गैसी नाकारा माध्य, माया फुजला जात, ये तमाम। तो सीवेज जो है गंदे पानी के निजाम को, गंदे पानी को कहा जाता है, तो इस लिहाज से ऑप्शन हुआ माया फुजला जात, यानी लिक्विड वेस्टेज, लिक्विड वेस्टेज को हम सीवेज कहेंगे। अगला सवाल, दर्जे जेल में से ये गंदे पानी के गैर नामियाती आलूदकार होते हैं। गैर नामियाती यानी इनऑर्गेनिक वेस्टेजेस ऑफ वेस्ट वाटर। तो ऑप्शंस हैं इंसानों और जानवरों का फुजला, तेल और यूरिया, कीड़ा मार और नबात कुश अद्वियात, नाइट्रेट और फास्फेट। तो इसमें ये जो मौजूदा जो ऊपर के तीन बयान करदा ऑप्शन हैं, इंसानों और जानवरों का फुजला, तेल और यूरिया, कीड़ा मार अद्वियात, ये सब के सब जो है नामियाती आलूदकार होते हैं, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट, जबकि नाइट्रेट और फास्फेट जो है इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ये जो गंदा पानी होता है, ये जो वेस्ट वाटर होता है, इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट और उसी तरह से माइक्रोब्स यानी खुर्दबीनी अजसाम और उसी तरह से न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अब माइक्रोब्स यानी खुर्दबीनी अजसाम में हम कई एक किस्म के बीमारियों पैदा करने वाले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को कह सकते हैं, जबकि न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, यानी मखफियात इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अगला सवाल, खुर्दबीनी अजसाम जो गंदे पानी में पाए जाते हैं उनसे मुतल्लुक गलत जुड़ की शनाख्त कीजिए। जैसे इसके पहले सवाल में कहा था गंदे पानी में खुर्दबीनी अजसाम भी पाए जाते हैं, उसके मुतल्लुक यहाँ पर चंद ऑप्शन है, वो गलत जोड़ को पहचानना है। ऑप्शन है विब्रियो कलरा, एक बैक्टीरिया का नाम है, ये विब्रियो कलरा बैक्टीरिया कलरा बीमारी का बाइस बनता है, यानी हैजे का। और साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है जो टाइफाइड का बाइस बनता है, ये दोनों भी सही हैं। और प्रोटोजोवा जो है डिसेंट्री का बाइस बनता है, जिसे हम अमीबिया डिसेंट्री भी कहते हैं। और अल्जी मलेरिया का बाइस बनता है, ये गलत है, मलेरिया का बाइस भी जो है प्रोटोजोवन से बनते हैं। अगला सवाल, गंदे पानी से बड़ी अशिया जैसे कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक के बॉटल, नैपकिन वगैरह यहाँ अलग किए जाते हैं। अब यहाँ से जो है पानी को साफ करने के मराहिल आए हैं, तो यहाँ पर बड़ी अशिया जैसे लकड़ी, प्लास्टिक के बॉटल वगैरह कहाँ पर अलग किए जाते हैं, ये सवाल है। ऑप्शन है सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक, बार स्क्रीन, वाटर क्लैरिफायर टैंक, एरेशन टैंक। तो इसका सही जवाब हुआ बार स्क्रीन में बड़ी अशिया को अलग किया जाता है। अगला सवाल, दर्जे जेल में गलत बयान शनाख्त कीजिए। दरमियान की तरफ ढलवान पाई जाने वाली टैंक में फुजलात जैसे ठोस मादे टैंक के दरमियान जमा हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये एक टैंक है, जब पानी बार स्क्रीन से गुजरता हुआ सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक की तरफ बढ़ता है, वहां से उसके बाद के मरहले में पानी जो है ये सेंटर की जानिब ढलवान, सेंटर की जानिब जो है ज्यादा स्लोप पाए जाने वाली टैंक में लाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, फुजला जैसे ठोस मादे टैंक के दरमियान में जमा हो जाते हैं, सही है। ये ढलवान टैंक में ठोस मादे को स्क्रैपर के जरिए अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब जब ये टैंक में जब पानी ढलवान की जानिब बहकर ठोस मादे पूरे दरमियान में जमा हो जाते हैं, तो उसको स्क्रैपर के जरिए अलग किया जाता है ठोस मादों को। और ये ढलवान टैंक से तैरने वाले मादे जैसे तेल और ग्रीस को स्किमर के जरिए अलग किया जाता है, ये भी सही है। इसी टैंक में ऊपर जो पाए जाने वाले तेल, ग्रीस वगैरह तैरने वाले मादे होते हैं, उनको स्किमर के जरिए अलग किया जाता है। इस टैंक से ठोस और तैरने वाले मादों को
आलूदकारों को निकालने के बाद ये पानी पोर्टेबल वाटर कहलाता है। ये गलत है, इसको जो है पोर्टेबल वाटर नहीं बल्कि क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे। अब जब पानी ये सेंटर की जानी फ्लो पाई जाने वाली टैंक में आने के बाद इसमें से ठोस नाकारा मादे और तैरने वाले नाकारा मादे अलग कर देने के बाद ये पानी को क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। अगला सवाल, कीचड़ स्लज को दूसरे टैंक में मुंतकिल करने के बाद उसमें इसको दाखिल किया जाता है जिसके अमल से ये तैयार होता है। अब वहां पर जो स्लोप सेंटर में पाई जाने वाली टैंक थी वहां से जो स्क्रैपर के जरिए ठोस मादों को अलग किया गया उसको हम कीचड़ कहेंगे, स्लज। अब उसमें वो स्लज को दूसरी टैंक में मुंतकिल करने के बाद उसमें इसको दाखिल किया जाता है ताकि ये हासिल हो। ऑप्शन है गैर हवाबाश बैक्टीरिया जिससे बायोगैस हासिल होती है, हवाबाश बैक्टीरिया खाद, हवाबाश बैक्टीरिया बायोगैस, गैर हवाबाश बैक्टीरिया खाद। तो सही जवाब है ऑप्शन ये, गैर हवाबाश बैक्टीरिया अनैरोबिक बैक्टीरिया को दाखिल करते हैं जिससे बायोगैस तैयार होती है। अब ये स्क्रैपर से अलग किया हुआ कीचड़ जो है एक टैंक में मुंतकिल किया जाता है और उसमें बैक्टीरिया डेवलप होती है जो गैर हवाबाश बैक्टीरिया होती है और वो बायोगैस तैयार करती है। ये बायोगैस आगे चलकर जो है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल में आती है या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी की तैयारी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला सवाल, क्लैरिफाइड वाटर में पाए जाने वाले इंसानी फुजलात गजाई नाकारा वगैरह को गजा की तरह इस्तेमाल करते हुए एक्टिव स्लज जो बनाने के लिए इस पानी में इस किस्म की बैक्टीरिया की नमू को यकीनी बनाया जाता है। अब जब वहां पर स्किमर और स्कैपर के जरिए अलग करदा मवाद के बाद जो पानी हासिल हुआ उसे हम क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे। अब ये क्लैरिफाइड वाटर में भी बहुत ज्यादा मिकदार में नामियाती मादे ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं जैसे ह्यूमन फीसेस यानी इंसानों के अखराजात, इंसानों के फुजले, जानवरों के फुजले और सोप वाटर और इसी तरह से गजाई नाकारा मादे, ये तमाम चीजें इसी तरह पाई जाती हैं। इनको अलग करने के लिए उसमें हवाबाश बैक्टीरिया को दाखिल किया जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया उसमें पाई जाने वाली इन तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को गिजा की तरह इस्तेमाल करती है और उन्हें खाकर जो है नीचे की जानिब जमा हो जाती है जो एक कीचड़ तैयार होता है जिसे हम एक्टिव स्लज यानी आमिल कीचड़ कहेंगे, यानी आमिल कीचड़। अगला सवाल, आमिल कीचड़ एक्टिव स्लज में पानी का फीसद होता है 70, 90, 97, 77। तो सही जवाब है 97% पानी होता है इसके अंदर। अगला सवाल, मशीनों या सैंड ड्राइंग बेड के जरिए सुखाया गया आमिल कीचड़ इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके पहले सवाल में हमने देखा था एक्टिव स्लज के अंदर जो है 97% पानी था, इसको मशीनों के जरिए या सैंड ड्राइंग बेड्स के जरिए इसको सुखाया जाता है यानी इसके पानी को दूर किया जाता है तो एक मखसूस किस्म का मादा हासिल होता है। उसको आगे चलकर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये सवाल है, तो वो जो है खाद की तरह यानी मैन्यूर की तरह इस्तेमाल में आएगा। अगला सवाल, इलाजशुदा पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पानी है वो ट्रीटेड वाटर हो गया यानी इलाजशुदा वाटर, अब ये पानी बहुत हद तक साफ हुआ होगा। अब इस पानी में जरासीम पाए जाते हैं उनको हलाक करने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट क्लोरीन और ओजोन, ये तमाम। तो सही जवाब है क्लोरीन एंड ओजोन, इन इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने के बाद ये पानी को जमीन में या समंदरों में छोड़ दिया जाता है। अगला सवाल, इन पौधों को सीवेज हाउस के अतराफ लगाने से वो गंदे पानी को तेजी से बुखारात में तब्दील करते हैं। सीवेज हाउस कहते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके अतराफ जो कैसे पौधे लगाना ज्यादा मुफीद है, इस तरह सवाल किया गया है। वो पाइन, यूकेलिप्टस, देवदार, सही जवाब है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पौधे बहुत ज्यादा पानी को जज्ब करते हैं और इसको बुखारात की शक्ल में खारिज करते हैं। अगला सवाल, दर्ज ذیل में से ये गंदे पानी के इलाज यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मुहासिलात हैं, प्रोडक्ट्स। गंदे पानी को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं प्लांट के अंदर तो उससे हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स क्या हैं, खाद पीने के काबिल पानी, खाद कीचड़ पीने के काबिल पानी, कीचड़ बायोगैस पीने के काबिल पानी। तो पीने का काबिल पानी बिल्कुल नहीं बनता, तो ये तीनों ऑप्शन गए। तो
तो बचा हुआ आंसर जो है खाद और कीचड़। मैन्यूर हासिल होता है और मैन्यूर के साथ साथ स्लज जो हासिल होता है। समटाइम्स बायोगैस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल, दर्जेदल में से ये पानी से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं है, वाटर बॉर्न डिसीजेस, यानी पानी के जरिए पैदा होने वाली बीमारियां नहीं है। ऑप्शन है कलरा, टाइफाइड, दोनों भी जो है पानी के जरिए पैदा होने वाली बीमारियां हैं। मतलब पानी पर ये जानदार कलरा और टाइफाइड के बाइस बनने वाले जरासीम नमो पाते हैं, और फ्लाइस वगैरह यानी मक्खियां मच्छर वगैरह जो है अंडे देकर इनको फैलाने में मदद करते हैं। हेपाटाइटिस और पोलियो ये दोनों भी जो है पानी के जरिए पैदा होने वाली बीमारियां हैं। डिसेंट्री और मेनिंजिटिस ये भी जो है पानी के जरिए ही पैदा होने वाली या फैलने वाली बीमारियां हैं। अस्थमा और सेप्टिसीमिया ये पानी के जरिए पैदा या मुंतकिल नहीं होती। अगला सवाल, पाइप का एक नेटवर्क जो सीवेज पैदा होने की जगह से उसको ट्रीटमेंट करने की जगह तक ले जाया जाता है क्या कहलाता है? सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर प्लांट। तो ये वेस्ट वाटर प्लांट तक पाइपों का एक नेटवर्क पाया जाता है, उस नेटवर्क को हम जो है सीवरेज कहते हैं। अगला सवाल, सीवरेज सिस्टम ना रखने वाले इलाकों के लिए सीवेज को ठिकाने लगाने का मुतबादिल तरीकेकार में से यह नहीं है। बाद इलाकों में ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं होता, सीवरेज सिस्टम नहीं होता, ऐसे इलाकों के पास सीवेज को ठिकाने लगाने के कौन से अल्टरनेट सोर्सेस होते हैं, इस तरह पूछा गया है। ऑप्शन है सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट, कॉम्पोजिट पिट, मैनहोल। ये तीनों भी जो है सीवरेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम के वाटर वेस्ट मैनेज वेस्ट वाटर प्लांट के अल्टरनेट्स ही ये तीनों, जबकि मैनहोल गलत जवाब है। अगला सवाल, सीवरेज सिस्टम में जंक्शन या मैनहोल हर इतने फासले पर बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं? सीवरेज सिस्टम में मैनहोल्स भी लगाते हैं, वो हर जंक्शन के पास मौजूद होता है जो 50 मीटर टू 60 मीटर के फासले पर होते हैं। अगला सवाल, दर्जे जेल में से गंदे पानी के ट्रीटमेंट के मराहिल को तरतीबार लिखिए। गंदे पानी के ट्रीटमेंट के मराहिल पूछा गया है, तो हम पहले देखेंगे स्किमर के जरिए तैरने वाले आलूदकारों को तेल और ग्रीस वगैरह को अलग किया जाता है, ये पहला तो नहीं हुआ। पानी एक बहुत बड़ी टैंक में मुंतकिल किया जाता है जिसका ढलवान दरमियान की जानिब होता है, ये भी पहले नहीं होगा। बड़ी अशिया जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, नैपकिन वगैरह को बार स्किन से गुजारा जाता है, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद पानी को सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक में भेजा जाता है, ये सेकंड पॉइंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पानी को एक बड़ी टैंक में मुंतकिल किया जाता है जिसका ढलवान जो है दरमियान की जानिब होता है, उससे पहले उसे पानी की रफ्तार को धीमी कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह तरतीब होती है, सीईडीबीए। तो सही जवाब हुआ सीईडीबीए, यानी पहले बार स्क्रीन से गुजारा जाता है, फिर सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक में भेजा जाता है। तो सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक क्या है, नाम से ही मालूम हो रहा है आपको, सैंड मतलब रेत और ग्रिट मतलब जर्रा, इन दोनों को रिमूव करने के एक टैंक में भेजा जाता है, और वहां भेजने के लिए उसकी रफ्तार स्लो कर दी जाती है। स्लो रहेगा तब तभी उसमें पाए जाने वाले रेत और जरा जो है जमा हो जाएंगे, और उसके बाद पानी को एक सेंटर की तरफ दरमियान की तरफ ढलवान रखने वाली टैंक में मुंतकिल किया जाता है, जहां से वजनी जरात को स्क्रैपर के जरिए, हल्के जरात को स्किमर के जरिए अलग किया जाता है। तो ये सही तरतीब हुई। अगला सवाल, दर्जे जैल में वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट से मुतालुक गलत बयान है, ये एक जदीद किस्म की टॉयलेट है, इसके मुतालुक गलत बयान पूछा गया है। हिंदुस्तान में टेस्ट किया गया टॉयलेट का डिजाइन है, सही है, ये हिंदुस्तान में टेस्ट किया गया है। ये कम पानी को इस्तेमाल करते हुए फुजले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाता है, बिल्कुल सही है, पानी का बहुत कम इस्तेमाल इसके अंदर होता है। फुजला जात को मुकम्मल तौर पर वर्मी केक में तब्दील करता है, ये भी सही है। ये वर्मी केक आगे चलकर जो है किसानों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस टॉयलेट में केचुए घूंगों के साथ मिलकर इंसानी फुजला जात का इलाज करते हैं, तो ये गलत है। इस टॉयलेट में सिर्फ केचुए इस्तेमाल होते हैं, ना कि घूंगे। तो केचुए जो है इस टॉयलेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो इंसानी फुजला जात को वर्मी केक में तब्दील करते हैं। अगला सवाल, WWTP से मुराद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगला सवाल,
यहां से आप खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। गंदे पानी के इलाज में हवाबाज गैर हवाबाज बैक्टीरिया का इस्तेमाल ये तरीकेकार है। हयाती तरीकेकार यानी बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, कीमियाई तरीकेकार, तिब्बी तरीकेकार, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। सही जवाब आंसर कमेंट कीजिए। अगला सवाल, गंदे पानी के इलाज में ये तबई तरीकेकार में शामिल है यानी फिजिकल मेथड ऑफ फिजिकल मेथड कौन सा है, इस तरह पूछा गया है। बार स्क्रीन से पानी गुजारना, ढलवान टैंक में पानी को जमा करना, हवाबाश और गैर हवाबाश बैक्टीरिया गंदे पानी में दाखिल करना, क्लोरीन और ओजोन को मिलाना, ये तमाम इनमें से फिजिकल प्रोसेस कौन सा है। अगला सवाल, यूएनओ ने पानी के देहा 2005 से 2015 के लिए इस मौजू का इंतखाब किया। तो आप देख सकते हैं, वाटर फॉर ऑल, सेव वाटर, वाटर फॉर लाइफ, प्रोजेक्ट प्योर वाटर। 2005 से 2015 तक के वाटर डिकेड को जो है कौन सा मंसूब इंतखाब किया। अगला सवाल, दर्ज जैल में से ये नाली में रुकावट का सबब बनते हैं, ड्रेन यानी ड्रेनेज सिस्टम, घरों के हो या फिर मोहल्ले का हो, फैट या ऑयल, इंसानों का फुजला, माया आलूदगी, ये तमाम। अगला सवाल, दर्ज जैल में से इसको हवाबाश टैंक में तहलील किया जाता है। नामियाती मादे ऑर्गेनिक मटेरियल, गैर नामियाती मादे इनऑर्गेनिक मटेरियल, या और भी कीमियाई अशिया। सही जवाब कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज फॉलो अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आज।